नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और मैं हूं आपके साथ दीपक। जयपुर से हमारे संवाददाता आनंद जगरवाल की खास रिपोर्ट। मोदी सरकार द्वारा किसानों से की गई वादा खिलाफी के खिलाफ सोमवार को विश्वासघात दिवस मनाया गया। ये संयुक्त किसान मोर्चा से हुए लिखित समझौते की वादा खिलाफी के विरोध में मनाया गया। सोमवार को मोदी सरकार की किसानों के साथ की गई वादा खिलाफी के विरोध में पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जयपुर में शहीद स्मारक पर भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान मजदूर व जन संगठनों द्वारा विश्वासघात दिवस मनाया गया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों और तहसील मुख्यालयों पर विश्वासघात दिवस पर विरोध प्रदर्शन हेतु व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रोफेसर सीबी यादव ने कहा कि एक साल से ज्यादा समय के चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन और 725 किसानों की शहादत के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा किसानों से लिखित में जो वादे किए गए थे, आज लगभग डेढ़ महीना गुजर जाने के बाद भी उन्हें पूरा करने की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनाने, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या का षड्यंत्रकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने और प्रस्तावित बिजली कानून आदि वायदों पर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाए। केंद्र सरकार के इस धोखाधड़ी भरे रवैये के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन और अन्य किसान मजदूर संगठन, महिला संगठन, छात्र व युवा संगठन, अन्य जन संगठन, सामाजिक संगठन और आम जनता द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए दोपहर 1 बजे शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया।